फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि गुप्ता डिजाइनर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि अक्सर होता है कि हम नाप में कमी करते हैं और जब नाप लेने में कमी होगी तो हमारे ब्लाउज या सूट में भी कमी हो जाएगी, जिससे कि हमारा पीस जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, अल्ट्रेशन आएगा और वो हमको ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि जब नाप में कमी होती तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा नाप लेना। कहते हैं ना कि जब नाप आप लेंगे गलत तो वो पीस जो बनाएंगे उसकी स्टिचिंग भी गलत होगी, उसकी कटिंग भी गलत होगी, जिससे हमारा पीस ख़राब होगा। तो सबसे पहले हम नाप लेने का आपको तरीका बताते हैं कि आपको नाप लेना कैसे है। एक होता है नाप लेने के, होते हैं दो तरीके। एक तरीका होता है सामने खड़े हुए व्यक्ति के नाप लेना, दूसरा तरीका होता है कपड़े से कपड़े को नापना। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सामने खड़े व्यक्ति की नाप लेना, क्योंकि कपड़े से कपड़े को नापने का तरीका तो आप खुद जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे मैंने जो ब्लाउज़ का नाप लेने का बताया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाप लेने का मैंने ब्लाउज़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे लिखा है डायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम, सामने खड़े व्यक्ति की नाप लेना। दूसरा होता है हमारा चेस्ट मेजरमेंट सिस्टम, सिर्फ चेस्ट का नाप पता होना। जैसे कि हमने केवल चेस्ट की नाप हमें पता है तो बाकी बॉडी की नाप हम खुद निकाल लेंगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट से बॉडी की पूरी नाप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हमें उसकी नाप लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या नापना है? सबसे पहले हमें नापना है लंबाई। ये हमारी यहाँ से लंबाई, ये है शोल्डर, ये शोल्डर हुआ आपका। यहाँ से आपको लंबाई लेनी है, जितनी भी कस्टमर चाहे, आप अपनी इच्छा अनुसार, उनकी मर्जी होगी वो कितना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारी ये लंबाई हो गई। सूट की लंबाई ले ली आपने, अब आपको क्या नापना है उसमें? अब आपको नाप लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर फ्रेंड्स कहाँ से होता है? शोल्डर होता है जो यहाँ पर हड्डी होती है, इस जगह पर ये हड्डी होती है और इस जगह की हड्डी, उसको फ्रेंड्स शोल्डर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं और कंधा भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया तीरा। ओके, ये हमने यहाँ से यहाँ तक का तीरा नापा है। यहाँ जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, मैंने आप फिर से बता रहे हैं आपको, ये हड्डी को ही तीरा बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हम आपको और बताने वाले हैं, जब आप नाप लोगे किसी की, तो अगर आप सूट नाप रहे हो तो जब किसी की लंबाई नापोगे तो वो फ्रंट से नापोगे, क्योंकि सूट नाप रहे हो आप, ब्लाउज़ नहीं नाप रहे हो। ब्लाउज में हम बैक से नापते हैं और वो हम आपको भी बता देंगे बाद में। तो जैसे कि आपने यहाँ से उसकी लंबाई ले ली, ठीक है, अब हमने उसको बैक से उसकी हमें शोल्डर की नाप निकालनी है। इसको फ्रंट से नहीं नापते हैं, बैक से शोल्डर की नाप हो गई। अब हमें क्या नापना है? चेस्ट की नाप। तो यहाँ से ये आर्महोल के पास से यहाँ तक का हिस्सा ये चेस्ट हुआ, सीना हमारा, ये हुआ सीना। फिर फ्रेंड्स आपको क्या करना है? कमर, अब आपको कैसे नापनी है, क्योंकि कमर में अक्सर गड़बड़ होती है। तो कमर आपको कैसे नापनी है? जो आपकी हाथ की लंबाई होगी, ये देखिए हाथ की जो लंबाई जा रही फ्रेंड्स, उसकी जो कोहनी होती है, कोहनी जिस जगह पर आती है उस जगह पर हम कमर की नाप करते हैं। ये देखिए इसकी कोहनी इस जगह पे आ रही है, इसलिए इसको इस जगह पे आने पर हम इसकी लेते हैं कमर, ये हमारी कमर की नाप हो गई। अब हमें हिप नापना है, तो हिप में फ्रेंड्स क्या करना है? यहाँ पे हमें टमी नहीं नापना है, क्योंकि ये चेस्ट कम है, जैसे कि 36 है, 38, 39, 40, जब इसके ऊपर का चेस्ट होता है उस समय हम टमी भी नापते हैं, यानी कि पेट। यहाँ पर हमें पेट नहीं नापना है, क्योंकि ये चेस्ट केवल 36 है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? अब हमारे मतलब समझिए, यहाँ से आप हिप नापेंगे, जहाँ से आपकी ये कलाई होती है, आप मेरी कलाई देख रहे हैं इस जगह, ये जहाँ से आपकी ये कलाई जा रही है ये हिप पॉइंट होता है। ये देखिए इस जगह पे हिप पॉइंट आपके हुआ, ये कलाई हो गई, ये हिप पॉइंट, ये देखिए। अब आपको समझ आया कि यहाँ पे मैंने चेस्ट नापा है, कोहनी के पास मैंने कमर नापी, और हाथ की कलाई के पास जहाँ कलाई छोड़ी। आप जब कस्टमर को खड़ा करोगे तो उसको उससे बोलिएगा कि हाथ को सीधा रखे, जब वो हाथ को सीधा रखेगा तब कलाई जहाँ पे आ रही होगी उस जगह हमारी हिप की नाप हो गई है, इसमें हमें टमी नहीं नापनी है। ओके, अब हमारा हुआ आरमोल। अब अक्सर ऐसा होता है कि आरमोल की नाप गलत होती है, तब हमारा जो होता है वो कंधी गिरने की समस्या होती है,
अगर हम आरमोल की नाप गलत करेंगे तो गंदी अक्सर हमारी गिर जाती है। तो यहाँ पे आरमोल की नाप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये हमारा हुआ आरमोल। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा हुआ आरमोल। अब आरमोल की नाप कैसे लेना है? आरमोल की नाप इस जगह से आप इंची टेप पकड़ोगे, इस जगह पे आपने इंची टेप लगाया और इंची टेप को पूरा राउंड करके वापस इस जगह पे लाना है। मतलब कस्टमर का हाथ थोड़ा सा आपको ऊंचा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से पूरा राउंड करते हुए इंची टेप को गोलाई से घुमा लेना है। फिर जितना भी आपका आरमोल आएगा वो आपका आरमोल होगा, 17, 16, 18 जो भी आता वो हो गया हमारा आरमोल। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नापना है आस्तीन की लंबाई। अब आस्तीन की लंबाई के लिए हमें क्या करना है? आस्तीन की लंबाई के लिए हमें यहाँ से आस्तीन नापनी, इस जगह जहाँ से आपने तीरा नापा था, शोल्डर मतलब कि नापा था, उस जगह से आपको इंची टेप रखना है यहाँ तक, जहाँ तक आपकी मर्जी हो। कोई 3/4 भी रखता है, कोई 1/4 inch भी रखता है ना। तो यहाँ से आपने जैसे कि यहाँ तक नापा, अब जितना यहाँ से यहाँ तक इंची टेप में जितना आया 5-6 जो भी आता है, वहीं से ही आपको इसकी आस्तीन की मोहरी नाप देनी है, यानी कि गोलाई। ये आपने आस्तीन की गोलाई नापी यहाँ से यहाँ तक, इतना क्लियर हुआ फ्रेंड। वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। क्योंकि अगर नाप गलत होगी तो सूट कपड़ा ख़राब हो जाएगा हमारा। यहाँ से हो गया, इतना आप क्लियर हुआ। अब हम क्या बताने वाले हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम, ये सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए व्यक्ति की नाप थी। कहाँ से मैंने हिप बताई, कहाँ से मैंने कमर बताई, कहाँ से मैंने चेस्ट बताया, आर्मोल बताया, आस्तीन की लंबाई बताई, उसकी मोहरी बता दी, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, अब इसको लिख भी लीजिए, आपको बड़ा कॉपी है फटाफट, तो इसमें लिख लीजिए। मैंने यहाँ बताया चेस्ट मेजरमेंट सिस्टम, सिर्फ चेस्ट की नाप का पता होना। अभी मैंने ये आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको बताया डायरेक्ट खड़े होकर नाप लेने का, नाप लेना डायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, सामने खड़े व्यक्ति की लंबाई, सामने खड़े व्यक्ति की लंबाई आपने नाप ली। उसके बाद आपको नापना है चेस्ट की पूरी नाप। चेस्ट जब आप नापेंगे तो फ्रेंड्स ये गोलाई से चेस्ट जाएगा। आप इंची टेप जब किसी व्यक्ति का नाप रहे होंगे तो इंची टेप को गोलाई में घुमाना है, ना कि सामने सामने, आपको सामने नहीं लाना। आपको इंची टेप आरमोल के किनारे से ले जाते हुए यहाँ से इंची टेप को घुमाना है इस जगह से। ये चेस्ट हुआ, यहाँ पर हम अपर चेस्ट नहीं नाप रहे, आप कन्फ्यूज़न मत होना, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपर चेस्ट होता है, यहाँ पे चेस्ट होता है, ये अपर चेस्ट हुआ, मगर आपको केवल चेस्ट नापना है यहाँ पे। वो हम आपको बाद में बताएंगे कब अपर चेस्ट नापते हैं, यहाँ पे केवल चेस्ट की ज़रूरत है, अपर चेस्ट की नहीं। तो यहाँ पे हो गया हमारा चेस्ट, यहाँ से आपको इंची टेप राउंड करके घुमाया, उसके बाद ये चेस्ट हमारा हुआ। फिर आपको कमर का राउंड करके घुमाया, जितनी भी है कमर हो गई। उसके बाद आपको कोहनी के पास, मैंने आपको बताया था ना कि कोहनी के पास कमर होती है और यहाँ पे कलाई के पास ये होती है हिप, ये हमारी हिप हो गई। हिप के पास भी आपको चारों तरफ से इंची टेप घुमा लेना है, व्यक्ति की चारों तरफ से आपको इंची टेप पूरा राउंड करके गोल घुमाना है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। आप क्या समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मुझे बताइए, क्योंकि इससे मेरा वीडियो बनाने में मन भी लगेगा, मुझे समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। जो नहीं समझ आया उसे भी बताइए, जो समझ आया तो उसके भी बताइए। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, क्या आपको वीडियो बोरिंग लगा, अगर नहीं लगा या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।